हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन थोड़ा सा ज्यादा वेट कराने के लिए क्षमा चाहता हूं हेलो एवरीवन क्या हाल चाल भाई क्लास नाइन जल्दी से आ जाओ भाई <coughs> कितने सारे बच्चे वेट कर रहे थे यार आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको थोड़ा सा ज्यादा वेट कराना पड़ा बिकॉज यार आप जानते हो ये सारी चीजें टेक्निकल है कभी ना कभी तो टेक्निकल चीजों में एरर आते ही है ग्लिच आते ही है तो कभी कभार ग्लिच चलता है यार दो तीन महीने में एक बार ग्लिच आ जाता है है ना जल्दी आओ भाई जल्दी एवरी वन प्लीज कॉल अपॉन योर फ्रेंड्स जल्दी बुलाओ जल्दी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन तभी तुम लोगों से चैट में मैं बात करता रहता हूं कि बेटा बने रहो शुरू कर रहा हूं बने रहो <coughs> मिड टर्म का एग्जाम का रिजल्ट आ गया भाई अर्पण बताओ कैसा रहा कैसा रहा रिजल्ट आर्यन यादव नाम ले लिया भाई अगर आपका मिड टर्म का रिजल्ट आ चुका है तो आप बता सकते हो भाई मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं आपके फाइन 78 आउट ऑफ 80 क्या बात है यार फोर दिया तुमने तो यार अर्पण क्या बात है ये बात बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी नाइस 78 अच्छे खासे होते हैं बट यस 80 आ सकते थे <laughs> 80 अरे विनोद भैया के 79 आ गए क्या बात है आर्यन के 77 आए हेमा वैश्य 98 परसेंटाइल क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत शानदार एटी आउट ऑफ नाइनटी क्या बात है यार तुम लोग तो कहर ढा रहे हो भाई मार्क्स ला रहे हो या मार्क्स बरसा रहे हो <coughs> इतने भयानक वाले मार्क्स यार इतने तो मेरे भी नहीं आए थे नाइन टेंथ में लिटरली <laughs> मेरे भी इतने मार्क्स नहीं आए थे <coughs> चलो भाई तो दो मार्क्स सिली मिस्टेक में कट गए अब ये सिली मिस्टेक में कट गए भाई एक बात बता अभी तो चल जाएगा तुम्हें पता आगे चल के या तो तुम लोग जाओगे आईआईटी की तैयारी करने या तुम लोग जाओगे नीट की तैयारी करने कोई एक चुनोगे मुझे पता है भाई दो मार्क्स बहुत होते आईआईटी <coughs> नीट या फिर यूपीएससी किसी भी चीज की तुम तैयारी करोगे ना दो मार्क्स में तो भाई हजार हजार रैंक का डिफरेंस आ जाता है हजार तो ज्यादा बोल दिया पांच सौ रैंक का डिफरेंस आ जाता है तुमसे दो मार्क्स जो ज्यादा वाला बंदा होगा ना जिसके दो मार्क्स तुमसे ज्यादा होंगे दोस्त वो बैठा होगा तुमसे कम से कम तुम अगर पांच हजार रैंक पे होगे तो वो बैठा होगा चार हजार या तीन हजार रैंक पे इतना डिफरेंस आ जाता है दो दो मार्क्स से तो भाई ये दो मार्क्स पे काम करो सही से जरा ठीक है बहुत बिल्कुल और क्या एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंस रखता है मेरे अच्छा मेरे पता तुम लोगों कितने मार्क्स आए थे नाइन्थ में मेरे नाइन्थ के फाइनल्स में मैथ्स में आए थे ज्यादा नहीं आए थे हंड्रेड में से नाइन्टी एट मार्क्स आए थे ज्यादा नहीं आए थे तो दो मार्क्स मेरे भी गिर गए थे वहां पर लेकिन टेंथ में मेरे थोड़ा सा खेल हो गया था <coughs> टेंथ में मैथ्स में आए थे मेरे हंड्रेड में से सेवेंटी एट तो वहां खराबी हो गई थी यार हा पहले से ध्यान रखना यस हाँ ट्वेल्थ में अपन ने फोड़ दिया था भाई ट्वेल्थ में तो अपन ने फोड़ दिया था ट्वेल्थ में तो भाई साहब बहुत जबर पढ़ाई करी थी जबर बोले तो बहुत भयानक वाली पढ़ाई करी थी ट्वेल्थ में तो चलो तो भैया जी रखते हैं फोन कोई बात नहीं जल्दी से रख देते हैं फोन और पता तुम लोग को मैथ्स में मेरे टेंथ में नाइन्टी एट आए थे और साइंस में नाइनटी नाइन आए थे जी हाँ साइंस में नाइन्टी नाइन आए थे तो मैथ्स और साइंस दो ही चीज अच्छी थी इंग्लिश में भी कम आए थे हिंदी में भी कम आए थे और बाकी में भी कमी थे यार SST में भी कमी थे तो चलो भाई आज का सेशन होगा अपना <coughs> यार पता नहीं शाम को आवाज को क्या हो जाता है मेरी बहुत डाउन हो जाती दबी दबी सी आवाज हो जाती है ट्राइंगल्स चैप्टर करना है भाई अपन को क्लास नाइन्थ ट्राइंगल्स चैप्टर जो अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे आज उसका पार्ट टू है आठ क्वेश्चन लाया हूं सात तो मैं ही करा दूंगा आपको आठवां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा ठीक है टाइम रहा तो आठवां भी करा दूंगा भी करा दूंगा ठीक है दोस्त तो चलिए सर शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन ये सेशन बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन से शुरू हो रहा है ये रहा बेटा अपना पहला क्वेश्चन लास्ट तक बने रहना गप्पे मारने आए हो तो जा सकते हो अभी चले जाओ कोई मुझे समस्या नहीं है पढ़ाई करने आए हो तो रुकना है ना मैं एक एक शॉर्ट्स 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 देखते हैं हैं ना शौर्ट तो शौर्ट में वो एक, बहुत फेमस होते करते हो मम्मी पापा की कसम है तुम्हारे ऊपर पढ़ाई करो बनी रहो ऐसा कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम समझ अगर तुम समझदार होगे तो तुम रुकोगे और पढ़ाई करने रुकोगे पढ़ाई करने रुकोगे ठीक है तो चलो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन ओके भाई इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल देखो भैया यहां ट्राइंगल अपन को एबीसी लेना है गौर से देख लेना ट्राइंगल ध्यान से सुनेंगे अपन ये ट्राइंगल है भाई ठीक है एबीसी एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ द द ट्राइंगल टू इक्वल इक्वल साइड्स आर बेटा दू दाइडर ए बी सी बना लिया और मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने कहा दो इक्वल साइड्स हैं ये दोनों इक्वल है बेटा ए बी इक्वल ए सी ए बी बराबर ए सी ठीक है ये दोनों इक्वल है तो भाई इक्वल साइड के ऊपर दो <coughs> एल्टीट्यूड बनानी है देखो जब बी से एल्टीट्यूड बनाएंगे ना दोस्त जब बी से एल्टीट्यूड बनाएंगे तो ये एल्टीट्यूड बनेगी इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे बना दिया सर ये हो गया और इसका नाम हो गया बी डी और सर, जब C से बनाएंगे, तो ये दूसरी वाली इक्वल साइड पे अटैक करेगी और ये बन जाएगी कुछ ऐसी और ये 90 ये हो गया ई ठीक है तो सर ये बन गया फिगर अपना ठीक है सर ए बी इक्वल ए सी दिया है भूलना नहीं <coughs> अगर ए बी इक्वल ए सी दिया है तो बेटा अपन को एक थ्योरम पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो सर इक्वल साइड्स या दो दी थी अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने पूरा एंगल सी बेटा ये वाला और इसके सामने पूरा एंगल बी ये वाला दोनों इक्वल होंगे तो भाई यहां लिखा जाएगा बाय थ्योरम ये तो गिवन है अपन को ए बी इक्वल ए सी बाय थ्योरम कौन सा थ्योरम है सर द एंगल्स विच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल एंगल्स भी इक्वल होंगे तो भैया यहां पर एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ जाएंगे ठीक है सर ठीक है अब गौर से सुनना <coughs> इन्होंने एल्टीट्यूड के बारे में बात करते करते बोला कि आर इक्वल अच्छा ओके एल्टीट्यूड दिए इक्वल इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल एल्टीट्यूड इक्वल है बेटा ये इक्वल नहीं दी एल्टीट्यूड इक्वल दी गई है दिस इज नॉट इक्वल हमें सिर्फ एल्टीट्यूड इक्वल दी गई है तो भैया हमको जो यहां गिवन है दैट इज नॉट इक्वल साइड्स आइसोसलेस ट्राइंगल नहीं दिया हमको एल्टीट्यूड इक्वल दी गई है तो लेट इज राइट गिवन ये एल्टीट्यूड बनी बी जो ए पर बनी तो बी डी इज इक्वल टू बराबर सी ये दोनों एल्टीट्यूड हमको इक्वल दी गई है एक मिनट रुकना यार सैंडल्स उतार दूं ठीक है आप सही है ठीक है भाई तो ये इक्वल दी है और बच्चा यहां से सबसे पहले अपन ओ भाई पूरा ही उड़ गया <laughs> ये बना ले चलो भाई जल्दी से बनाते हैं ये लाइन और ये लाइन ठीक है सर तो भाई यहां पर हमको सिर्फ एल्टीट्यूड इक्वल दी गई है, है हमने उसको मार्क कर लिया आगे बढ़ते हैं प्रूव दैट ए बी एंड ए सी एफ आर कॉन ग्रुए ए बीई ए बीई अरे भाई ई e कहां है ए बीई इधर बनाना पड़ेगा यार इसका फिगर दिया होगा पता इसका फिगर दिया होगा ए बी ई e, एक काम करते हैं इसका फिगर मैं निकाल के लाता हूं जब तक अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं ठीक है फिगर अपन अपन निकालते हैं हैं सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्योंकि उसका फिगर गिवन होगा हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर उसका फिगर अपन देखेंगे अभी एडी एंड बी सी आर इक्वल पर पेंडिकुलर टू एल लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट ए बी है सर इसका नाम है ए बी ठीक है AD एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू असगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए डी बनाना है जो परपेंडिकुलर है यह बनाया परपेंडिकुलर है और एक बी सी बनाना है जो परपेंडिकुलर है बी सी बनाना है जो परपेंडिकुलर है, है, है। सर ये दोनों बना दी अब वो ये कह रहे हैं कि आपने जो ए डी बनाई और बी सी बनाई अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो हमको जो प्रूफ करना है दोस्त वो प्रूफ ये करना है अरे यार जल्दी ज्वाइन हो जाए अच्छे से हाँ ये प्रूफ करना है गौर से सुनो गौर से इसको ओ मान लेते हैं हमें प्रूफ करना है शो दैट सी डी बाई सेक्ट ए बी सी डी ने ए बी के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए हमको ये इक्वल प्रूफ कराना है आराम से करा लेंगे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं है ुलर और भैया ये जो परपेंडिकुलर बनाई है ये दोनों इक्वल है दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है भाई ये दोनों इक्वल दी गई है जल्दी से करेंगे बेटा हमें प्रूफ करना है सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है ए बी के दो इक्वल पार्ट्स हो गए देखा जाए तो हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ AO बी ओ सर ये प्रूफ करना है हमको AO बी ओ अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए और बी ओ इक्वल है तो हमने मान के चलो ये प्रूफ कर दिया कि डी सी ने इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया तो यही तो होता है सी डी बाइसे ठीक है तो सर इन दोनों ट्राइंगल को अपन करते हैं कॉन्ग्रुवेंट और C -C से प्रूफ करा देंगे बच्चों वाला एंगल और ये वाला एंगल पर वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में बात करेंगे डी CBO। सी बी ओ लेट एस टॉक इन ट्राइंगल डी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी ओ ट्राइंगल सी बी ओ बच्चों गौर से देखो कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी लगेगी बात नंबर एक ना देश इक्वल देश है नहीं है इक्वल ना दिस इक्वल दिस ये भी इक्वल नहीं है हा एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड ए ए एस से हो रहा है एंगल एंगल साइड जी हां एंगल एंगल साइड से हो रहा चलो पहला एंगल सर वर्टिकली वाला दिखाएंगे डी ए ओ इज इक्वल टू सी बी डी ए और सी बी इक्वल है एंगल डी ए ज इक्वल टू एंगल सीओ बी एंगल सी डी डी ओ ए है यार ये डी ओ एज इक्वल टू सी ओ बी और यह कैसे इक्वल है सर यह है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ठीक है ओके okay, नेक्स्ट अब फिर से एंगल आना है तो एंगल नाइनटी इक्वल नाइनटी ओ ए डी ओ बी सी एंगल ओ ए डी एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी सर ये इक्वल कैसे है बेटा ये गिवन था हमको ये परपेंडिकुलर गिवन है हमको ठीक है नेक्स्ट ए डी इक्वल बी सी ये भी इक्वल हमें गिवन था ए डी इक्वल बी सी ये भी हमको गिवन था और सर अगर ये भी गिवन है तो भैया ये दोनों हो गए एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बाई ए एस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ए सी बी ओ डी एस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी ओ और सर जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीडी एक्टिव हो जाएगा और सीपीसीडी क्या कहेगा कि भैया हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सीपीसीडी से क्या इक्वल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें इक्वल कर सकते हैं क्या क्या हम ए और बी ओ को कॉरेस्पॉन्डिंग कह सकते हैं हाँ सर सर ये दोनों आपस में कॉरिस्पोंडिंग ही हैं ए और बी ओ इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉरेस्पोंडिंग है एओ बी ओ बस बेटा यही प्रूफ करना था कि जो ओ है जो सी डी की वजह से बना उसने ए बी के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए इसका मतलब हम कह सकते हैं दे आर फोर सी डी बाईसेक्स AB. सी डी बाई ए बी डन जल्दी से देख लो बेटा मैं सामने से हट जाता हूं और फिर अपन करते हैं तुमसे थोड़ी बात ठीक है फिर तुमसे थोड़ी बात की जाएगी लेकिन पहले अरे भैया बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है गले में <laughs> चले करें क्या पानी पी लू एक घुट चलो तो भैया आगे करते हैं काम काज जल्दी से क्या है भाई देखो बात ऐसी है कि अब अपन बनाएंगे पहले वाले का फिगर और पहले वाले का फिगर अपना पता सही बनाता यार पहले वाले का फिगर अपना बिल्कुल सही बनाता मैंने देख मैंने अभी देख लिया ऑल दो इट इज करेक्ट बिल्कुल सही बना था बस एक हल्का सा दिक्कत हो गया था वो अपन दिक्कत दूर कर देंगे भैया ऐसा कुछ ट्राइंगल है ये ऐसा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी ही है ए बी सी अब पता बी से इन्होंने क्या किया इन्होंने बी से सर बी से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर बना दी एल्टीट्यूड और उसका नाम BE दे दिया इन अपन ने बी डी लिख दिया था यहां बस ये गड़बड़ हो गई थी अपन से और C से भी इन्होंने क्या करा इधर एक ऑल्टीट्यूड बना दी यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये बी डी हो सी डी हो गया ये था फिगर अपना और ये दोनों ही साइड इक्वल दी गई थी ये दोनों ही साइड बोले तो सी डी और बीई इक्वल दी बेटा ये ऑल्टीट्यूड हमको इधर इक्वल दी गई है Given, क्या गिवेन है सर हमको क्वल है ऑल्टीट्यूड इज इक्वल इक्वल टू ये और ये ऑल्टीट्यूड 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 और है altitude जानते हो ना जो किसी भी लाइन पे जाके परपेंडिकुलरली मिल जाए जैसे मान के चलो एक ये लाइन है और मैंने एक लाइन बना दी और ये 90 डिग्री लिख दी तो ये लाइन इसके लिए ऑल्टीट्यूड हो जाएगी ये बेस हो जाएगा ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगी ठीक है सर ओके कोई दिक्कत नहीं <coughs> ओके हमें क्या प्रूव करना है ए e और ए ग्रुवेंट प्रूव कराने चलो भैया ए बीई e बनाते हैं ए बीई e, चलो बनाए ए बी ई भाई यहां अलग से बना लेते हैं ये बना लिया ए बी ई ठीक है तो भैया यहां पर 90 डिग्री बनेगा क्योंकि यार यहां 90 है तो इधर भी 90 बनेगा दूसरा है एसीएफ ए सी एफ कहां है भैया डी नहीं है यार ये एफ है डी नहीं है भाई ये एफ है चलो एफ बनाते हैं ए सी एफ ये बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं ये भी नाइनटी होगा ये हो गया ए सी और ये एफ आएगा भाई ई e और एफ में लड़ाई हो जाएगी इसलिए को यहां बना देते हैं एफ यहां बना देते हैं ठीक है सर ओके अब बताओ भैया क्या है हमारे पास है क्या बात नंबर एक बेटा और ये एंगल कॉमन है कॉमन है भैया कॉमन है और तो और अपने पास बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है बीई इक्वल सी एफ यह दिया है बीई इक्वल सी एफ दिया गया है सर बीई इक्वल सी एफ ऑल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं सर बिल्कुल सही बात है अब भैया इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा दो एंगल एंगल साइड से कैसे सर देखो बताता हूं एंगल इक्वल एंगल ये हो गया एंगल एंगल इक्वल एंगल ये हो गया एंगल और साइड इक्वल साइड ये हो गया साइड एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड तो सर ए एस से ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट इनका नाम लिखते हैं ट्राइंगल का एन ट्राइंगल ए बीई एंड ए सी एफ ए सी एफ एंड एंगल ए सी एफ ए सी एफ ठीक है सर भैया एंगल एंगल साइड का बना लेंगे हम स्ट्रक्चर और ए A, एस A, हमने लिख लेना है बेटा एंगल सबसे पहला एंगल बेटा इसको मत लिख देना दिस इक्वल इज नहीं यहां से साइकिल शुरू होगी दिस इक्वल दिस फिर दिस इक्वल दिस फिर दिस इक्वल दिस तो सर एंगल ए इक्वल एंगल है दोनों में एंगल ए कॉमन है एंगल ए इक्वल एंगल ए और दोनों में सर कॉमन आ रहा है पूरा पूरा एंगल दोनों ड्राइंगल में कॉमन आ रहा है फिर दिस इक्वल दिस ए ई बी एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी एंगल एएफसी और सर ये कैसे इक्वल है अरे भाई हमको परपेंडिकुलरज ऑल्टीट्यूड्स दिए थे तो दिस इज गिवन ये हमको गिवन है सर नेक्स्ट बेटा बी ई इक्वल सी एफ बी इक्वल सी एफ ये कैसे सर अरे भैया ऑल्टीट्यूड्स जो बनाए वो भी इक्वल थे देखो ना दी ऑल्टीट्यूड्स ये ऑल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं आर इक्वल बेटा गड़बड़ मत करना अपोजिट साइड आर इक्वल नहीं है यह इसकी भाषा का दुरुपयोग है इसकी भाषा को समझो एल्टीट्यूड की बात करते करते वो आर इक्वल तक पहुंचे अपोजिट साइड आर इक्वल नहीं दिया <coughs> कितना चिलवा रहे हो यार तुम लोग ठीक है सर तो सर हम क्या बोल सकते हैं बाय ए ए एस रूल बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्राइंगल्स ए बी ईस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ सर ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट दिस इज आर फर्स्ट पार्ट सर सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट करते हैं सर ठीक है ए बी इक्वल ए सी ए बी इक्वल ए सी अरे भाई ए बी और ए सी इन दो ट्राइंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट है मतलब बोले तो ये दोनों आपस में भाई भाई और भाई भाई वाले साइड कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद इक्वल हो जाते हैं C -C से तो अपन क्या बोलेंगे बाय सीपीसीटी सी इसी का सीपीसीटी दोस्त बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी हा सर दोनों इक्वल हैं और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं इट इज एन आई सोसलिसक्वल ए सी हो गया बेटा दो साइड्स इक्वल हो गई इस बड़े ट्राइंगल में तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आई सोसलिस ट्राइंगल ठीक है यस सर खत्म तो भैया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म आगे चलते हैं ठीक है मैं लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज आ रही है ना दोस्त आवाज आ रही है ना क्लियर ठीक है सर लेट अस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म तीसरा क्वेश्चन है सर ये वाला ट्राइंगल ए बी सी ठीक है सर ट्राइंगल बनाएंगे चलो ट्राइंगल बना लेते हैं सर बी सी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ए बी इक्वल ए सी सर ये और ये इक्वल है मतलब ये आई है तो इसके सामने ये एंगल इसके सामने ये एंगल भी इक्वल होंगे दिए भी ना हो फिर भी तुम इक्वल लगाओगे थ्योरम कहता है किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे ठीक है सर <coughs> एंड बाइसे ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ ओ भाई इनके बाई सेक्टर बनाने हैं सर चलो भैया इनके बाई सेक्टर यहां आया और यहां आया ठीक है ये बाई सेक्टर यहां आ गए और ये अपना यहां मिल गए और मीट एट ओ पे मिल रहे हैं ठीक है सर प्रूफ दैट बीओल सी ओ अरे भैया बीओ और सीओ को इक्वल प्रूफ कराना है बड़े ही आराम से हो जाएगा बिना कॉन्ग्रुएंसी के देखो दोस्त कैसे होगा सुनो <coughs> बात नंबर एक पहली बात सर हमको गिवन है ए बी इक्वल ए सी है ना दो साइड हमको इक्वल दिए थे ठीक है तो हमने लिखा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने एंगल सी और इस सामने एंगल बी भी इक्वल होगा तो अपन लिखेंगे बाय सो कॉल्ड थियोरम एक थ्योरम है सर कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे इसके सामने angle C, angle B, तो एंगल सी एंगल बी तो भैया एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए और मेरे प्यारे मेरे दुलारे गौर से सुनना ओ बी और ओ सी बाई सेक्टर है बेटा एंगल्स ए और एंगल बी और एंगल सी का गौर से सुनो बेटा क्या बात कर रहा हूं मैं ओ बी और ओ सी बाई सेक्टर है ओ बी एंड ओ सी आर बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी आर बाई सेक्टर ऑफ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी समझे क्या बच्चा इसका नाम क्या होगा इसका नाम ओ बी सी सर एंगल ओ बी सी जो होगा वो एंगल बी का हाफ होगा एंगल बी का आधा होगा वैसे ये भी एंगल बी का आधा होगा ये भी एंगल बी का आधा होगा. होगा ये क्या होगा सर ओ सी बी ओ सी बी एंगल सर एंगल सी का हाफ होगा क्योंकि बाइस है ना तो एंगल सी का हाफ हो गया ठीक है ओके सर बच्चा एंगल बी इक्वल एंगल सी है तो एंगल बी इक्वल एंगल सी जो है अगर मैं दोनों को टू से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी भी इक्वल होंगे हाँ सर तो दोस्त अपन इसको बना लेते हैं इक्वेजन नंबर वन इसको बना ली इक्वेजन वन ठीक है सर अब बात करते हैं सर गौर से सुनना बेटा ओ बी सी ट्राइंगल में लेटस टॉक अबाउट ट्राइंगल ओ बी सी ये हो गया ओ ये हो गया बी ये हो गया सी ओके सर बच्चा इक्वेजन वन उठा जरा एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू एंगल सी का हाफ और एंगल बी का हाफ क्या मैं एंगल ओ बी सी को बोल सकता हूं कि ये एंगल एंगल बी का हाफ है हां सर तो एंगल ओ बी सी लिख दिया एंगल सी का हाफ ये इसको बोल सकते क्या ओ सी बी एंगल सी का हाफ एंगल ओ सी कहा जा सकता है तो एंगल ओ सी बी एंगल सी का हाफ हो गया अगर इस ट्राइंगल में ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो दोस्त ये छोटू ट्राइंगल तो बन गया आईसोसलिस क्योंकि दो एंगल इक्वल आ गए है ना दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्राइंगल ओ बी सी इन दो एंगल की बदौलत इक्वल होने की बदौलत आईसोसलिस हो गया है ना दो एंगल इक्वल आ गए ना तो आइसोस्celes कहलाएगा इज एन आइसोस्celes ट्राइंगल तो दोस्त हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो एंगल्स इक्वल तो उनके सामने-सामने वाले साइड्स भी इक्वल है ना तो अगर ये एंगल ओbc इक्वल है ओcb के तो इनके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी इसके अपोजिट में oc इसके अपोजिट में ob तो सर बाय थ्योरम बाय थ्योरम दो एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल में तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होगी ओ सी इक्वल ओ भी प्रूव हो गया ये तो हो गया सर आगे पढ़ते एंड रे ओ ए इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी अब हमको प्रूव करना है सर कि जो ओ ए है जो ओ ए ज्वाइन कर दो ये जो लाइन ओ ए बनाई जो लाइन ओ ए बनाई वो बी ए सी का बाइस सेक्टर है तो एक तरह से अपन को ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है तभी तो अपन बी ए सी का बाईस सेक्टर प्रूफ कर पाएंगे ओ ए को बी ए सी पूरा एंगल ए की बात हो रही है भाई सुनो गौर से एंगल बी ए सी पूरा एंगल ए है ठीक है कंफ्यूज मत होना एंगल ए का बाईस बोले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करने का है ठीक है करते हैं भाई ए बी सी बस ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएट कराओ और भैया अपने अपने घर जाओ छोटे छोटे से बना दिए मैंने चुनने मुन्ने से ठीक है ये हो गया सर ए ओ बी और ये हो गया सर ए ओ सी सर ये और ये इक्वल थे देखो भाई ठीक है सर ठीक है ओके ए ओ और ए कॉमन है ठीक है भाई बी ओ और सी ओ इक्वल करे भाई साइड 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 से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन नाम लिखो दोस्त इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राएंगल ए सी ठीक है सर एओ इक्वल ए ओ ठीक है सर कॉमन साइड्स का एक पेयर आ गया ए बी इक्वल ए सी ये भी साइड्स का एक पेयर आ गया ये कैसे है सर गिवेन है सर अपन को गिवेन है देखो गिवेन है देखो ए बी इक्वल ए सी बी ओ इक्वल सी ओ सर ये कैसे इक्वल है अरे ये ऐसे इक्वल है भैया हमने अभी पार्ट वन में इसको प्रूव किया ट वन ये इक्वेशन वन बना देना साइड 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 से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी एंड एओ सी आर कॉन्ग्रुएंट और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे प्यारे साथी मेरे दुलारे साथी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुवेंट हैं सर तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा दोस्त हम बोलेंगे बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी बी एओ एंड सी आर इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो भैया ए ओ ने एंगल बी ए सी को बाईसेट किया प्रूव हो गया देयर फोर ए ओ बाई एंगल बी ए सी खत्म ठीक है भाई खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री भी नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे चली जाए गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए सर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा प्रश्न नंबर चार करेगा आपके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फीका लगेगा फिर आपको अचार क्या बोल रहे हो सर आप सर आप रहने दो तो आपके बस की नहीं है शायरी हाँ यह बात तो सही है यार <laughs> मेरे बस की नहीं है शायरी एल ये एल है बेटा यह स्मॉल एल बनता ना तो वैसा लगता जाने आई बना हो सर ये एल है और पैरल एम ठीक है सर यह गौर से देखो बेटा ये पार्ट गौर से देखो एल पैरल एम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दी है और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दी बेटा तो ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगी ये लाइन ट्रांसवर्सल एंगल और जाएंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं नो सर ठीक है भाई एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए बी का मिड पॉइंट है एम मतलब ये इक्वल ये एम इक्वल बी एम देखो भाई ये लिखा देखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ठीक है कर देंगे भाई हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट एम इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट सी डी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई बहुत आराम से कर लेंगे दिस इज एल एंड एम ठीक है भाई ध्यान देना ये एल एंड एम है यहां पर मैं लगा देता हूं एरो लगा देता हूं दिस इज एल यहां एल है एल एंड एम ठीक है ओके okay. बात सुनना गौर से हमको प्रूफ करना है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ऑल्सो एम सी डी को भी स... मतलब मिड पॉइंट है भाई एम एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ऑल्सो अगर हमने सी एम और डी एम इक्वल प्रूव कर दिया तो हम हमारे क्वेश्चन को प्रूव करने में कामयाब समझे जाएंगे सर इन दोनों ट्राइंगल को बनाओ डिफरेंटली अलग सेपरेटली सर बना लेते हैं ठीक है एक ये हो गया और एक ये हो गया ठीक है सर ओके सर इसका नाम है सर ए सी एम और इसका नाम है डी बी एम गौर से देखना बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स है ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और सर ये वाली साइड इसके इक्वल तो सर ध्यान से जरा कॉन्ग्रुएंसी करेंगे एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी बेटा हो जाएगी चलो करते हैं सर नाम गौर से लिखना बेटा ए एम सी ए से शुरू कर रहा हूं मैं तो यहां बी से शुरू होगा बी एम डी एम सी बी एम डी ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी ठीक है सर एंगल एंगल साइड हो रहा है बेटा देखो ऐसे आओ एंगल ठीक है इसके इक्वल है एंगल इसके इक्वल है साइड एंगल एंगल साइड ऐसे आओ सी बनाओ एंगल एंगल साइड ठीक है तो एंगल सी बराबर एंगल डी पहली बात एंगल सी इक्वल एंगल डी भैया ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस दी गई थी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं याद है ना ऑल्टरनेट एंगल्स Z वाले एंगल्स हैं सर ये Z वाले भैया एंगल A इक्वल एंगल B ठीक है भाई साहब एंगल A और एंगल B भी इक्वल है कैसे अरे भाई ये भी तो Z बना रहा है ना ऐसा तो ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा इसके देखो एंगल A इक्वल एंगल B पैरेलल दिया ना इसलिए ये भी भाई अल्टरनेट एंगल्स हैं तो उसका भी नाम हम देंगे अल्टरनेट एंगल्स एम एम इक्वल बी एम यह भी केवे है भैया एम इज द मिड पॉइंट ए एम इक्वल बी एम एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया है भाई ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ठीक है दोस्त तो सर यहां तो एक चीज समझ में आ गई कि ए एस से ये दोनों हो गए कॉनग्रुए बेटा कॉनग्रुएंस अगर आप अभी भी पहचानना नहीं सीखे हो ना तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ठीक <coughs> है बाय ए ए एस रूल कौन सा चैप्टर नेक्स्ट लाऊं जरा ये तो बताओ चैट में बाय ए ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एम सी कॉनग्रुए टू ट्राइंगल बी एम डी ठीक है चलो हो गया काम यस सर बिल्कुल हो गया अब क्या किया जाए सर अब क्या किया जाए अरे भाई अगर ये हो गया तो खुश होने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है हमें प्रूफ करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी यहां लिख देते हैं टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है सर ये पहले लिखना चाहिए था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ठीक है सर ये कैसे होगा अरे एम अगर सी डी का मिड पॉइंट है तो सीएम इक्वल डीएम यही तो कराना पड़ेगा सी एम इक्वल डी एम यही तो प्रूफ कराना है ये प्रूफ कराना है सर हो गया भाई यहां हो गया सीएम इक्वल डी एम सर ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं सर तो इसके सी पी से हो गया सी पी से एम इक्वल डी एम प्रूफ सी एम इक्वल डी एम और जैसे ये प्रूफ हुआ बच्चों हमने लिख देना है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी ऑल्सो देर फोर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी ऑल्सो ठीक है दोस्त ये रहा आपके सामने क्वेश्चन फोर का ताजा ताजा सोल्यूशन अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा पांचवा और पंचम क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो यार जल्दी से पढ़ लो जल्दी से रीड कर लो इसको <coughs> <coughs> नहीं भैया नहीं कोई फ्री नहीं है <coughs> कौनो फ्री नहीं है भैया बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हां सर इन फिगर ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेरी बात सुनो बेटा ए डी गौर से सुनो ये है ट्राइंगल एबीसी ठीक है ये है ट्राइंगल एबीसी और एडी मीडियन अब मीडियन का काम होता है जिस बेस पर वो गिर रही है वो बन रही है वो बेस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी ये दोनों इक्वल हो गए ठीक है ओके सर हटाते हैं इसको और यहां मार्क करते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी क्योंकि ए डी इज मीडियन अब मीडियन का मतलब ही नहीं पता होगा तुम्हें तो कहां से कर लोगे यार सर क्या ये दोनों एंगल इक्वल है हां बिल्कुल भाई क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बिल्कुल सही बात है <coughs> देख लो फिगर बना के दिया परपेंडिकुलर दी हुई है सब दिया बी एल इज इक्वल टू सी एम तुम्हें प्रूफ करना है इसके लिए बी एल डी सी एम के लिए सी एम डी इन दो ट्राइंगल्स को इस फिगर से अलग बना लो निकाल के क्योंकि अगर तुमने अलग नहीं बनाया तो तुम इस क्वेश्चन से अलग हो जाओगे और भैया छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में तो बी बना लेते हैं सर सर ये हो गया बी एल डी ये एंगल बना देंगे सर और ये साइड बना देंगे ठीक है ये ट्राइंग, ट्राइंगल बना भाई एम डी ये हो गया 90 डिग्री ये हो गया इक्वल और ये ठीक है ये दोनों एंगल इक्वल है है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है सर अगेन एंगल एंगल साइड कैसे देखो भाई 90 इक्वल 90 तो ये हो गया एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड इसको पहले लिखेंगे ठीक है ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल बी एल डी ठीक है और सीएमडी सीएमडी चलो लिख लिया सर क्या करें आप कुछ नहीं कॉन्ग्रुएंट करना है ए ए एस पहला एंगल ये दोनों उठाएंगे ठीक है स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्ट्रक्चर छोटा छोटा ए छोटा छोटा ए छोटा छोटा एस ये होता है स्ट्रक्चर ठीक है एंगल दिस इक्वल यानी एंगल एल इक्वल एंगल एम नहीं सर बी एल डी एंगल इक्वल सी एम डी सर एंगल बी एल डी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी बी एल डी सी एम डी नाइनटी और इक्वल गिवेन है सर यह में ये इक्वल गिवेन है हमको है ना परपेंडिकुलर बनाए हुए थे देख लेना पढ़ लेना बेटा नेक्स्ट सर नेक्स्ट एंगल ये दोनों भैया इक्वल एल डी बी एम डी सी एंगल एल डी बी इक्वल एंगल एम डी सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लास्ट DB equal DC ये कैसे आया भैया DB equal DC ये कैसे आया तो भैया यहां आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त AD डी इज मीडियन ऑन बी सी बस खत्म इतना लिख दोगे काफी है AD डी इज मीडियन ऑन ए सी इज मीडियन ऑन ए सी ठीक है तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट हां भैया बाय ए ए एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ठीक है सर कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं सीपीसीटी पी जिंदाबाद बीएल इक्वल सीएम हो गया सर देखो बीएल यहां है सीएम यहां ही दोनों आपस में एक दूसरे के कॉरेस्पोंडिंग है भाई भाई हैं ये लोग ठीक है भाई भाई इक्वल हो जाते हैं तो सर हम क्या लिखेंगे बाय सी इसी के नीचे लिखेंगे बेटा इसी के नीचे बाय सी बी एल इज इक्वल टू सी एम बी एल इज इक्वल टू सी एम हैंड्स प्रूफ लो भैया पांचवा भी, पांच भी खत्म हो गया छह सात आठ तीन और बचे और फिर खेल खत्म बस है ना तीन और बचे हैं भाई हम्म चलो भाई मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल्सो सिक्स भी करते हैं भाई जल्दी से क्लियर करते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स सर एक ट्राइंगल एबीसी है जो आई सोसलिस ट्राइंगल है हमें प्रूव करना है ये दोनों बहुत गौर से सुनना मेरी बात एक ट्राइंगल एबीसी है हमने एबीसी बना लिया ए बी सी ही क्यूलेटर लग रहा है छोड़ो यार ये दोनों इक्वल साइड हमने मान लिए उनने दिए नहीं है हमने मान लिए ठीक है ओके एल्टीट्यूड एडी डी बाइसेक्ट एंगल बीएसी हमें ये प्रूफ करना है प्रूविंग है बेटा दोनों चीजें प्रूफ करनी है पहले ये प्रूफ करेंगे अच्छा दो एंगल भी इक्वल होते हैं ना बेटा तो एंगल भी इक्वल लगाओ चलो पहले पार्ट नंबर वन करेंगे जिसमें एल्टीट्यूड एडी दिया हुआ है सर एल्टीट्यूड एडी बनाएंगे अपन ये बना दिया एल्टीट्यूड एडी ठीक है हमें प्रूफ करना है बाइसेक्ट एंगल बी एसी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना है बराबर इसने बी ए सी को बाइसेक्ट कर दिया यह प्रूफ करना है बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कराना है सर जी सर ठीक है भाई तो क्या प्रूफ कराना है लिख लेते हैं सर टू प्रूफ टू प्रूफ क्या प्रूफ कराना है सर हमको प्रूफ कराना है एडी बाइसेक्ट एंगल बी एसी एडी ने बी सी के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए एडी बाइसेक्ट एंगल बी ए बी एसी बाइसेक कर दी मतलब हमें एक्चुअली में प्रूव कराना है बी CAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कराना है भाई, एंगल एंगल ये प्रूफ करा देंगे, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रूव हो गया सर उन दोनों ड्राइंगल को कराना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, है ना भाई कॉन कैसे कराएंगे बहुत आसान ये एल्टीट्यूड दिया है तो ये 90 डिग्री दोनों तरफ बनाएगा क्योंकि एल्टीट्यूड दिया गया है तो ये 90 होगा दोनों ट्राइंगल को अगर चाहो तो अलग अलग करके बना लो नहीं बनाना है तो वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं है सर जबरदस्ती थोड़ी ना चलिए सर ए डी b जिसमें हमारे पास ये 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है ए जिसमें हमारे पास ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि भैया ये आइसोस्लेस ट्रायंगल दिया था तो दो साइड्स तो हमारे पास इक्वल होंगी है ना तो दो एंगल भी इक्वल होंगे तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है ये कैसे इक्वल लिया अरे भाई आइसोस्लेस है अगर उन्होंने आइसोस्लेस लिख दिया तो आप अपनी मर्जी से दो साइड और दो एंगल इक्वल ले सकते हो जो दो साइड इक्वल उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल लेना ठीक है ध्यान रखना तो ये गिवन का ही हिस्सा है सर इन दोनों ट्राइ की मदद से अब अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करा देंगे भैया कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने से हो जाएगा क्या सर क्वेश्चन बिल्कुल <coughs> हो जाएगा लिखते हैं सर अब अपन लिखना ही तो अपन को पसंद है भाई क्या लिखना है भैया इंट्राइंगल ए डी बी एंड एडीसी ए डी बी एडीसी इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी ठीक है ए डी बी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगल एंगल साइड एंगल देखो एंगल इक्वल एंगल है ना एंगल फिर एंगल साइड तो सर इस एंगल का पहले नाम लिखेंगे एंगल एंगल साइड का स्ट्रक्चर बना देते हैं इस एंगल का नाम है एडीसी बी एडीसी एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी ठीक है सर भैया एल्टीट्यूड दिया गया है एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेस पे 90 डिग्री वाली लाइन ए डी परपेंडिकुलर बी सी ठीक है ए इज एल्टीट्यूड ठीक है सर नेक्स्ट ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल ए बी डी ए सी डी एंगल ए बी डी अरे एंगल बी इक्वल एंगल सी लिखो यार एंगल बी इक्वल एंगल सी और सर ए बी इक्वल ए सी ए बी इक्वल ए सी अब इन दोनों का सेम रीजन है बेटा इन दोनों का रीजन सेम है इसीलिए मैं एक ही में लिख दे रहा हूं क्या ट्राइंगल ए बी सी इज आई खत्म इस इतना लिखने से हमने बता दिया कि भैया दो साइड और दो एंगल उनके अपोजिट वाली साइड्स अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल है तो सर ए एस से तो हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल देश दिस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी ठीक है सर और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम सीपीसी की मदद ले सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो गए यानी बैड इज इक्वल टू कैड बाय सीपीसी बाय सी पी बी एडी एंगल और सीएडी एंगल इक्वल है एंगल बी एडी ज इक्वल टू एंगल सी और बेटा यही हमको प्रूव करना था इसका मतलब हम कह सकते हैं ए डी बाई सेक्ट एंगल बी ए सी देर फोर ए डी बाई सेक्ट एंगल बी ए सी जो एंगल ए ही है. है ना अगर हमें ए डी दी गई है एल्टीट्यूड तो हम नाइनटी नाइनटी लेंगे है ना ए डी ने एंगल बी सी को बाइसेक्ट कर दिया यह प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल कराना था करा दिया सर, खत्म अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे उसके लिए बेटा जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर उसके लिए क्या करना होगा दोस्त अपन को यार ये सब डिलीट करना होगा सब क्लियर करना होगा ठीक है ठीक है सर ये हटा देते हैं यार ठीक है और ये हटा देते हैं और थोड़े से चेंजेस इसमें भी होंगे थोड़े से चेंजेस इसमें भी होंगे ठीक है तो भाई पूरे हटा यार ठीक है हटो गौर से सुनना यहां पर दूसरे पार्ट में दोस्त देखो पहले तो फर्क समझो दूसरे पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर दिया था एल्टीट्यूड दिया था इसलिए 90 डिग्री 90 डिग्री बना लिया था यहां पर परपेंडिकुलर प्रूव करना है भाई मतलब उल्टे हैं दोनों पार्ट्स यहां पर एल्टीट्यूड दिया था एंगल बाइसे हो रहा है ये प्रूव करना था यहां एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ये इक्वल दिया है दोस्त ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया गया है हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल 90 नाइनटी है दैट इज एडीज परपेंडिकुलर टू बी सी ये प्रूफ करना है हमको प्रूव करना है सर एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ट मीनस ए बी ए डी बी और एडीसी एंगल नाइनटी नाइनटी प्रूफ करना है ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों इक्वल होने चाहिए और दोनों नाइन्टी नाइनटी के ही बराबर आने चाहिए आराम से निकाल लेंगे देखो कैसे बनाओ भैया ए बी डी अलग और ए डी सी अलग ए डी बी ए डी सी मेरे प्यारे बच्चे बात नंबर एक हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं पहली चीज हमें ये दोनों लाइंस या एडी और एडी कॉमन है ठीक है दूसरी चीज तीसरी चीज ये है सर कि हमको ये वाला और ये वाला साइड भी इक्वल दिया है आई है ना ठीक है सर बेटा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है वैसे ये दोनों भी इक्वल है ये दोनों भी इक्वल है किसी से भी हो सकता है ठीक है ये दोनों भी इक्वल है बच्चों मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ये और ये इक्वल है तो बहुत कंडी बहुत कंडीशंस बन गई बहुत सारी देखो एक तो एंगल साइड एंगल से बन रहा है दूसरा साइड एंगल साइड बन रहा है चलो अपन ए एस ए, ए, ए बना लेते हैं ए एस ए चलो एस ए एस बना लेते हैं ठीक है एस ए एस ठीक है सर चलो एस एस मतलब साइड ये साइड लेंगे इसके ए बी इक्वल ए सी फिर एंगल लेंगे बेटा दूसरी साइड ले लो ए बी देखो बी ए इक्वल सी एब एडी इक्वल एडी ले लेंगे यहां एडी इक्वल एडी और इन दोनों के बीच में जो एंगल फस रहा है इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल है ना बेटा ये साइड इधर आ गई ये साइड इधर, इधर आ गई तो इन दोनों के बीच में एंगल ए और इन दोनों के बीच में एंगल फस रहा है और इक्वल भी है बी एडी इक्वल सी तो एंगल बी इक्वल एंगल सी ये गिवेन है सर हमें गिवेन है देखो कैसे गिवेन है देखो ना बाई सेक्टर एंगल बी इज परपेंडिकुलर टू द बेस ये प्रूफ करना है इज परपेंडिकुलर टू द बेस ये प्रूफ करना है ठीक है ध्यान रखना चलो सर तो दोनों ट्राइंगल अरे भाई ट्राइंगल के नाम तो लिखना ही भूल गए इन ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी ठीक है ये हो गया भाई तो ट्राइंगल होगा एस ए एस से कॉनग्रुएंट बाय रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी एंड आर कॉनग्रुएंट ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी अब कॉनग्रुएंसी के बाद तुम्हें पता है भाई सीपीसीटी का खेल है पूरा ठीक है इसका खेल है निराला सर क्या हम क्या हम इन दोनों एंगल को सीपीसीडी से इक्वल ले सकते हैं बिल्कुल यही लेंगे ले सकते हैं नहीं भाई दोस्त यही लेंगे ले सकते हैं नहीं यही लेंगे बेटा तो सर इसके सीपीसीटी से हमने ले लिया बाय सी पी सी टी दिस एंगल एडीबी एंगल ए सी एडीसी इक्वल है एंगल ए DB इक्वल टू एंगल ए डी सी और सर इन दोनों को अपन लेट कर लेते हैं कि दोनों एक्स हैं लेट से दोनों एक्स हैं अब बच्चों ये दोनों एंगल तो अपन ने इक्वल करा दिए और इनको एक्स भी मान लिया कि सर ये भी एक्स और ये भी एक्स अब तुम समझ ही गए आगे का खेल दोनों बेटा एक स्ट्रेट लाइन बी सी बना रहे हैं दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं मतलब दोनों का सम 180 होगा तो इधर काम करूं क्या इधर ही काम करता हूं भाई तो एंगल ए डी बी और सी एड होके वन एटी बनाएंगे एंगल एडीबी प्लस एंगल सी दोनों एड होके सर क्या बनाएंगे दोनों एड होके बनाएंगे दोस्त दोनों तो ऐड होके बनाएंगे 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स आ रहे हैं तो लीनियर पेयर होता है बेटा ये लीनियर पेयर ठीक है सर सर इसका मतलब ये दोनों तो x और x के बराबर है हा यार दोनों इक्वल है ना तो x और x आ गया बेटा 2x एक्स इज इक्वल टू 180. वहां जाएगा डिवाइड करेगा एक्स इज इक्वल टू वन एटी अपॉइंट टू आंसर आया नाइनटी आ गया ठीक है सर अब जो एक्स है वो है क्या एक्स एंगल ए डी बी और ए डी सी तो दोनों 90 नाइनटी आ गए प्रूव हो गया यही तो प्रूव करना था भाई एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों एक्स हैं। तो दोनों ही 90 के डिग्री के इक्वल आ गए हमने प्रूफ कर दिया एडीएस पर पेंडिकुलर टू बी सी यही हमको प्रूफ करना था है ना भाई एडीस पर पेंडिकुलर टू बी सी यही हमको प्रूफ करना था हो गया भाई काम तमाम ठीक है भाई और बताओ आदेश शर्मा मैं हूं यूपी से बताओ बेटा क्या काम है मैं हूं यूपी से अब बताओ चलो मूविंग अहेड आगे चलते हैं सर जल्दी से इरेज करते हैं सातवां क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा सर सेवेंथ क्वेश्चन ठीक है सर क्वेश्चन कह रहा है पी एस इज इक्वल टू पी आर ठीक है पी एस इज इक्वल टू पी आर अच्छा इस ट्राइंगल में देखो जैसे ही मैंने पी एस इक्वल पी आर देखा मेरे दिमाग में कुछ खुराफात हुई इस ट्राइंगल को देखो भाई अरे बंजा भाई अगर इस ट्राइंगल में PS इक्वल पी आर दिया है तो फिर दो एंगल भी तो इक्वल होंगे ये ट्राइंगल आईसोसल बन गया बेटा दो साइड इक्वल दिए दोस्त और अगर दो साइड इक्वल दिए तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल भी इक्वल होंगे दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों को अपन एक्स एक्स मान लेते हैं ठीक है दोनों को एक्स और एक्स मान लिया सर <coughs> समझ आ रही है बात ठीक है सर मान लिया अब बताओ अब जब दोनों को एक्स मान लिया तो बेटा ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही ये वाला एंगल बताना कितना होगा बेटा बच्चा ये एंगल बता ये जो लाइन जा रही है इसमें ये वाला एंगल क्या होगा और ये जो लाइन पूरी जा रही है इसमें ये वाला एंगल क्या होगा तो बच्चा सिंपल सी बात है अगर ये एंगल निकालने को कहा जाए तो तू 180 से ये वाला एंगल माइनस कर देगा वन एट्टी माइनस एक्स और अगर ये एंगल निकालने की बात की जाए ये दोनों बेटा मिलके 180 बना रहे हैं लीनियर पैर बना रहे हैं तो ये आ जाएगा 180 एट्टी माइनस एक्स ठीक है सर ठीक है सर डन अब जरा टी पी एस टी एस पी टी एस पी अब बस खेल हो गया खत्म ठीक है चलो ये दोनों ट्राइंगल बना लिए थोड़े सुंदर से हैं तो सर ये हो गया अपना टी एस पी और ये हो गया सर अपना क्यू आर पी ये भी पी है गौर से सुनना बेटा ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए पहली बात दोनों 180- एटी माइनस एक्स वन एटी माइनस एक्स आ रहे हैं दूसरी चीज पीएस इक्वल पी आर सर ये दोनों इक्वल साइड दिए और बेटा ये एंगल भी इक्वल दिए ये दोनों एंगल देखो टी पी एस टीपीएस क्यू आर पी क्यू टीपीएस और क्यू पी आर होगा बेटा ये क्यू पी आर होगा दिस इज नॉट क्यू आरपी दिस इज क्यू पी आर ये है अपना क्यू पी आर ठीक है क्यूपीआर है बेटा ये ध्यान देना जरा चलो भाई तो सर ये क्यूपीआर हो गया <coughs> क्यू पी आर टी पी एस ठीक है सर ये दोनों इक्वल हो गए बच्चों इन्होंने कहा पीटी इक्वल पी क्यू पीटी ये है और पी क्यू ये है इन दोनों को इक्वल कराना है ये है पीटी और ये है पी क्यू इन दोनों को इक्वल कैसे कराएंगे बहुत आराम से करा देंगे सर इन दोनों ट्राइंगल को कराओ कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद मेरे प्यारे बच्चे सीपीसीडी से ये दोनों हो जाएंगे इक्वल ठीक है सर तो जल्दी से लिखते हैं कॉन पूरा ट्राइंगल का टी एसपी क्यू आर पी इन ट्राइंगल टीएसपी एंड क्यू आर पी ठीक है सर एंगल साइड एंगल हो रहा है देखो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल है ना क्राइटेरिया समझो तो एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी क्यू आर पी टी एस पी इक्वल क्यू आर पी और ये भैया यहां लिख देता हूं चलो लेट अच्छा क्या गिवन है यहां सबसे पहली बात है पी एस इक्वल पी आर ठीक है पी एस इक्वल पी आर और पी एस इक्वल पी आर होने की वजह से यहां थ्योरम लगेगा और थ्योरम लगा थ्योरम ने कहा कि दो साइड्स इक्वल तो इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होंगे इसके सामने ये हो गया पी आर एस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी एस आर और दोनों को हमने लेट कर लिया सर एक्स और अगर ये दोनों एक्स हो गए तो ये दोनों वन एटी माइनस एक्स वन एटी माइनस तो पी एस टी एंगल पी एस टी या टी एस पी टी एस पी लिखेंगे टी एस पी लिखेंगे ठीक है टी एस पी क्वल टू वन एटी माइनस एक्स लीनियर पेयर और एंगल क्यू आर पी अभी समझाया है मैंने बेटा ये भी 180 में से इसके बगल वाला माइनस कर देंगे जो कि एक्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ठीक है दे बोथ आर इक्वल तो सर लिख देना यहां पर इक्वेशन नंबर वन खत्म ठीक तो यहां रीजन लिखना पड़ेगा लिखना भाई इक्वेशन वन देख लो वहां पर लिखा हुआ है ये हो गया एंगल अब आता है साइड और फिर आएगा एंगल एस एस ई साइड एस पी या पी एस इक्वल पी आर यह दिया हुआ है अपन को पी एस इक्वल पी आर इज गिवन टू अस ब्रैकेट में लिखेंगे सर गिवन ठीक है सर ये गिवन है नेक्स्ट ये वाला एंगल सर टी पी एस क्यू पी आर टी पी एस क्यूपीआर एंगल टी पी एस ज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर गिवेन है सर यह भी दिया गया है सर क्या हुआ ए एस ए से दोनों हो गए कॉनग्रुएंट बाई ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ठीक है ट्राइंगल्स आर कॉनग्रुएंट ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट टी एस पी तो जिंदा हो जाएगा CP, हो गया? CP, वो के बाद होता है. क्या इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट पीटी और पी क्यू है कॉरिस्पोंडिंग है सर है पीटी इक्वल पी क्यू तो भैया ये हो गया पीटी इक्वल पी क्यू और यही हमको प्रूफ करना था पीडी इक्वल पी क्यू ठीक है ये हमको equal प्रूफ करना था। ठीक है चलो आगे चलते हैं अस मूव ऑन अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ के जाऊंगा वो आपको खुद करना है ये है भैया आपका आज का ग्रह कार्य दिस इज होमवर्क ठीक है आठवा क्वेश्चन है होमवर्क और इसको खुद कीजिए ताकि आपने जो सात क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सीखे हैं उनको अटेम्प्ट करने का जो इंप्लीमेंटेशन है वो इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करो और भैया इसको आइसोस्लेस प्रूव करो ये था होमवर्क अब भैया टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया ठीक है तो अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास मतलब परसों मिलेंगे वी विल मीट आफ्टर टुमोरो एट सेम टाइम आठ बजे आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हैं वेबसाइट है डब्ल्यू वेबसाइट ओपन होगी आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और आपको अपना सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सेलेक्ट करो जो चैप्टर पढ़ना है फिर उसको सेलेक्ट करना और आपके सामने वीडियोस की बढ़िया वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी जैसे कि आपको पता है शुरू से एंड तक देखोगे तो बढ़िया रहेगा तो स्टार्ट कर देना अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं है सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ठीक है भाई जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन टिल देन हैप्पी लर्निंग टेक केयर बाय गुड नाइट